Hello guys, welcome back to another lesson on MPPSC Assistant Registrar Examination Paper 2. My name is Aditya Dubey and in this topic we will talk about role of Tehsildar. यदि आप इस चैनल में नए हैं और अगर आपने मेरे प्रीवियस प्लेलिस्ट वीडियोस नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप उसको देखिए. यदि आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. अभी तक हमने प्रीवियस टॉपिक में 4C के बारे में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में, रोल्स के बारे में जाना. इस लेसन में हम डील करेंगे तहसीलदार के रोल के बारे में. तो तहसीलदार के रोल के बारे में जानने से पहले सबसे पहले एक बेसिक एब्स्ट्रैक्ट समरी ले लेते हैं कि तहसीलदार होता क्या है. अब तहसीलदार की अगर बात की जाए तो उसकी बहुत ही बड़ी ड्यूटी मींस एक एलैबोरेटेड ड्यूटीज होती है और ज्यादा पावर वेस्टेड होते हैं लैंड और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के. ओके, ये जो रिकॉर्ड्स और लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और जितने भी पावर रहते हैं वो एक तहसील तक ही लिमिटेड होते हैं. अब लैंड रेवेन्यू की बात की जाए तो लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता है वो तहसीलदार डायरेक्ट नहीं करता है, वो अपने स्टाफ के थ्रू कलेक्ट करता है जो कि उसके स्टाफ में आते हैं RI मींस रेवेन्यू इंस्पेक्टर और पटवारी. ओके, मींस जो लैंड रेवेन्यू, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और पटवारी कलेक्ट करते हैं देन वो कंसोलिडेट होके तहसीलदार के पास जाता है एंड देन तहसीलदार उसको फर्दर हायर अथॉरिटी पे रिपोर्ट करता है. जितने भी लैंड एक्विजिशन मींस भूमि अधिग्रहण या संपत्ति अधिग्रहण मींस प्रॉपर्टी एक्विजिशन के केसेस होते हैं वो उसी के ऑफिस में प्रिपेयर किए जाते हैं. ओके, तो ये बेसिक एब्स्ट्रैक्ट समरी आप समझ सकते हैं तहसीलदार के बारे में. अब बात करते हैं तहसीलदार के बारे में और पॉइंट्स. जो तहसीलदार होता है वो अपॉइंट किया जाता है फाइनेंशियल कमिश्नर के द्वारा. ओके, मींस फाइनेंशियल कमिश्नर अपॉइंट्स द तहसीलदार. और अगर बात की जाए रेवेन्यू और नायब तहसीलदार की, ये अपॉइंट किए जाते हैं कमिश्नर ऑफ द डिवीजन मींस डिविजनल कमिश्नर के द्वारा. यदि आपने डिविजनल कमिश्नर का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में देखिएगा या तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं. अब जो तहसीलदार की जो पावर रहती है मींस वो एंजॉय करता है पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट कलेक्टर, सब रजिस्ट्रार और ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार की पावर एंजॉय करता है तहसीलदार. ओके, अब डील करते हैं हम रोल ऑफ तहसीलदार के साथ. अब तहसीलदार के कुछ रोल्स हैं जो इस प्रकार हैं. पहला जो रोल है वो है टू मेंटेन ऑल लैंड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ तहसील. मतलब तहसील की जितने भी जमीन और रेवेन्यू से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने का काम होता है तहसीलदार का. इसके अलावा टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम RI एंड पटवारी मींस जो भी लैंड रेवेन्यू RI और पटवारी के द्वारा मिलता है उसको पूरी तरीके से कलेक्ट करना, कंसोलिडेट करना और देन हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करना. तीसरा काम होता है कि टू प्रिपेयर ऑल लैंड एक्विजिशन एंड प्रॉपर्टी एक्विजिशन केसेस मींस जितने भी भूमि अधिग्रहण और संपत्ति अधिग्रहण के केसेस होते हैं या मामले होते हैं उनकी पूरी तरीके से रिपोर्ट प्रिपेयर करना और देन वो हायर अथॉरिटी के पास पहुंचाना. इसके बाद होता है टू हैंडल एंड स्टार्ट द इमीडिएट रिलीफ ऑपरेशन इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी. मतलब कभी भी प्राकृतिक आपदा अगर आती है उसकी तहसील में तो वो पूरी तरीके से एक्शन लेता है ताकि उस आपदा को मिटिगेट किया जा सके, उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट किया जा सके और एक फास्ट रिस्पांस टीम फॉर्म करके उस एक्शन को सॉल्व किया जा सके. इसके अलावा है टू अप्रूव न्यू प्रोजेक्ट इन इज बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट लैंड. मतलब कोई भी नया प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट की भूमि से रिलेटेड हो मींस गवर्नमेंट के लैंड पे बनाना हो, चाहे कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, तो उसकी परमिशन को अप्रूव करने का काम मींस उसको अप्रूव करने का काम रहता है तहसीलदार का. ओके, इसके अलावा टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ऑफ इस तहसील मींस लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना अपनी तहसील पे. और इसके बाद है तहसीलदार जो रहता है वो फूड और सप्लाई भी मेंटेन करता है मींस मॉनिटर करता है जितनी भी फूड एंड सप्लाईज उसकी तहसील में होती है और सीड और फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट को भी मॉनिटर करता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ये बस इतना सा टॉपिक था, एक समरी एब्स्ट्रैक्ट आपको देना था. मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. सबसे पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ जो आपको बनना चाहिए कि एमपी में टोटल कितनी तहसील है. ओके, एमपी में कितनी तहसील है ये आपको कमेंट करना है. इसके बाद यहाँ पे दो क्वेश्चन और हैं. यूपीएससी किस आर्टिकल में मेंशनड है हमारे भारतीय संविधान में, मींस यूपीएससी इज मेंशनड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तीसरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एमपीपीएससी. अब आपको बताना है कि एमपीपीएससी के सबसे पहले चेयरमैन कौन रहे. ओके, तो ये तीन क्वेश्चन आपको कमेंट करने हैं और मैं जल्दी ही इस मींस ये तीनों जो टॉपिक मैंने 4C कवर किए हैं मींस रोल ऑफ कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और तहसीलदार, इसका मैं MCQ आज जल्दी ही अपलोड करूंगा. ओके, देन हम डील करेंगे टॉपिक 4D के साथ जो रहेगा ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग. ओके, सो आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो. And if you have any suggestions or doubt, please feel free to ask in the YouTube comment section. And all the very best for your examination. Bye.